नमस्कार किसान भाइयों आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूंग और उड़द की जो है खरीदी शुरू होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और किसान भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक लेटर बता रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहां पर जारी किया गया है और यहां पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल और ये जो लेटर जारी किया गया है ये है चौबीस जून 2024 को और मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर जो भी यहाँ पर जिले लिखे हैं इन कलेक्टरों को यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष दो हज़ार वर्ष दो हज़ार में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की उपार्जन नीति यानी खरीदी की नीति और यहां पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों नीचे थोड़ा और जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मूंग और उड़द की जो खरीदी की जाएगी उसकी प्राइस इस प्रकार है जो एनएसपी है आठ हजार मूंग की एन एस पी आठ हजार पाँच सौ अट्ठावन रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेगी सरकार मूंग की और उड़दा की जो है 6950 हजार नौ सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करेगी और किसान भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फसल का नाम यहां पर लिखा है मूंग जो है बत्तीस जिलों में खरीदी की जाएगी बत्तीस जिले इस प्रकार हैं नब्दपुरम नरसिंहपुर रायसेन हरदा सीहोर जबलपुर देवास सागर गुना खंडवा खरगोन कटनी दमो, विदिशा बडवानी मुरैना बैतूल शिवपुर कला भिंड भोपाल शिवपुरी छिंदवाड़ा बुरहानपुर छतरपुर उमरिया धार राजगढ़ और मंडला शिवपुरी और अशोकनगर इंदौर और बालाघाट की जो जिले हैं इनमें जो है मूंग की खरीदी की जाएगी किसान भाइयों और जो उड़दा की जो खरीदी की जाएगी वो दस जिलों में की जाएगी दस जिलों के नाम इस प्रकार हैं जबलपुर कटनी नरसिंहपुर दमोह छिंदवाड़ा पन्ना मंडला उमरिया शिवपुरी एवं बालाघाट जिलों में जो है उड़द की खरीदी की जाएगी चलिए किसान भाइयों अगली जो बात कर लेते हैं कि अब जो है मूंग की खरीदी कब से शुरू होगी तो किसान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों मूंग की जो खरीदी है मूंग की जो खरीदी है 24 जून 2024 से इसकी शुरुआत हो गई है और लगातार जो है 31 जुलाई 2024 तक आप अपना मूंग और उड़द की जो फसल है उसे जो है तुलवा सकते हैं किसान भाइयों और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं यहां पर अब जो है कृषक पंजीयन हेतु जारी किए गए निर्देश के अनुसार चना मसूर और सरसों के समान ही ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन हेतु सिलोड बुक किया जाएगा तो किसान भाइयों जब आपने गेहूँ चना और मसूर तुलवाया था तब जो है आपने सिलोड बुक करवाए थे उसी प्रकार अब जो है ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की जो खरीदी होगी उसके लिए आपको सिलोड बुक करना होगा किसान भाई और सिलोड बुक की प्रक्रिया जो आपने चना और मसूर और सरसों की टाइम पे जो आपने सिलोड बुक करवाए थे वैसे के बहस से जो है सिलोड बुक होंगे किसान भाइयों हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के बोए गए रकबे का एम पी एस ई डी सी एम पी सी एस टी द्वारा रिमोडिंग सेंटिंग तकनीक से सर्वे किया गया है जिन भी किसान भाइयों ने अगर मूंग नहीं बोई है उनने भी जो है यहां पर मूंग का पंजीयन करवा लिया है तो वो इस तकनीक के माध्यम से चेक किया जा रहा है और जिन किसान भाइयों के खेतों में अगर मूंग नहीं थी वो पंजीयन को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर नोटिफिकेशन लगाया हुआ है किसान भाइयों इसे आप रोककर आसानी से जो है पढ़ भी सकते हैं किसान भाइयों और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं इसकी जो तुलाई है तुलाई की जो शुरुआत है किसान भाइयों आप देख सकते हैं सुबह आठ बजे से इसकी तुलाई शुरू हो जाएगी और रात के आठ बजे तक आप जो है अपना मूंग और की तुलाई करवा सकते हैं किसान भाइयों और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों ये दिन सिर्फ सोमवार से शुक्रवार के दिन ही जो है तुलाई होगी रविवार और शनिवार का जो है अवकाश रहेगा क्योंकि माल को जो है हाउस में अंदर रखने के लिए ये दिन दिए जाते हैं किसान भाइयों और किसान भाइयों आपकी जो है तोल की पर्ची जो है शाम को छह बजे तक जारी की जाएगी तो किसान भाइयों इस तरीके से यहाँ पर लेटर आ चुका है किसान भाइयों इसे आप आसानी से जो है पढ़ भी सकते हैं और किसान भाइयों एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ मूंग की जो तुलाई होगी वो होगी 24 जून 2024 से शुरुआत हो गई है और लगातार 31 जुलाई 2024 तक आप अपनी मूंग और उड़द की तुलाई करवा सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और किसान भाइयों अभी जो है कई जगह तुलाई शुरू हो गई है कई जगह नहीं हुई है, धीरे धीरे सभी जगह जो है तुलाई शुरू हो जाएगी तो किसान भाइयों इसी तरह के वीडियो में आपको लाता रहता हूं अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करें धन्यवाद किसान भाइयों